हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप हैं जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ऑन करना है। सेटिंग ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्राइवेसी का। यहाँ से आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है हाइड एप्स का। यहाँ से आपको हाइड एप्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपने फ़ोन में पिन एंटर करना है। इस तरह से करने के बाद में यहाँ से आपको सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जो भी आप यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप इस तरह से हाइड कर सकते हैं। यहाँ से आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक्सेस कोड डालना है, जो आपका हैश से स्टार्ट होता है। इस तरह से डालने के बाद में यहाँ से आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके फ़ोन में हाइड एप्स हो चुका है। जो भी एप्लीकेशन आपने हाइड करी है वो आप यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद में यहाँ से आपको अपने फ़ोन में एक्सेस कोड डालना है, जो आपका हैश से स्टार्ट हुआ था। इस तरह से डालने के बाद में यहाँ से आपने जो भी एप्लीकेशन हाइड करी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो बहुत ही सिंपल है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में हाइड एप्स कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।